हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, व्हाट आर देयर रोल्स एंड व्हाट आर देयर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब यही चैप्टर और अगला टॉपिक जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यही जो मिनरल्स हैं, कुछ लेक्चर पहले हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा, कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं दे आर यूज्ड इन बल्क क्वांटिटी, इनको एसेंशियल एलिमेंट कहा जाएगा। और इसी तरीके से ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे कंपोनेंट विच आर यूज्ड इन ट्रेसेस, विच आर यूज्ड इन वेरी लिमिटेड अमाउंट में, बहुत कम उनको जो प्लांट बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत कम उनको ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने की, तो ऐसे एलिमेंट्स जो होते हैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहा जाएगा। तो वही हमें यहाँ पर देखना है। अगला टॉपिक हमारा जो होता है वो है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो बहुत कम यहाँ पर जो अमाउंट में प्लांट को रिक्वायरमेंट होता है यूज़ करते हैं, तो दे मे शो देयर टॉक्सिक इफेक्ट। टॉक्सिक इफेक्ट टॉक्सिसिटी कहलाता है। टॉक्सिक इफेक्ट का मतलब होता है कुछ ना कुछ हार्मफुल पॉइजनस नेचर, पॉइजन्स यहाँ पर पाए जाते हैं, टॉक्सिक यानी जहरीलापन उसके अंदर पाया जाएगा। तो यहाँ पर यह तो कम मिकदार में ज़रूरत, कम अमाउंट में उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी नीड होती है, लेकिन अगर वो भी यहाँ पर अगर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है प्लांट के ऊपर, तो उसी को कहा जाता है टॉक्सिसिटी। तो ये क्या है? इफ़ मिनरल्स रिड्यूसेस 10% ऑफ बॉडी वेट, अगर कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम प्लांट के लिए यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, वो फ़ायदा करने के अगर नुकसान कर रहा है, और क्या नुकसान यहाँ पर होता है? अगर वो प्लांट बॉडी का बॉडी वेट जो रहेगा, उसका ड्राई वेट जो यहाँ पर रहेगा, अगर 10% से यहाँ पर जो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसा जो नेचर होता है, ऐसे नेचर को कहा जाता है टॉक्सिक नेचर। ऐसे नेचर को कहा जाता है, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड एट टॉक्सिक, यानी वो पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो टॉक्सिक नेचर है, प्लांट के लिए फायदा नहीं पहुंचा रहे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वन एलिमेंट इनहिबिट द अपटेक ऑफ द अदर एलिमेंट। यहां पर ये तो इंतहाई यहां पर लेस अमाउंट में यहां पर ट्रेसेस के अंदर यूज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं दे इनहिबिट द अपटेक ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी यहां पर स्मॉल अमाउंट में तो यूज हो रहे हैं, लेकिन दूसरे अमाउंट में जो बल्क क्वांटिटी में दूसरे एलिमेंट यहां पर यूज होने वाले हैं, ये उनके एब्सॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, उनके एब्सॉर्प्शन को रोक देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कोई एलिमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, वो कैल्शियम को यहां पर इनहिबिट कर रहा है, और कैल्शियम का जो है यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्लांट बॉडी के अंदर है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ बल्क क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम यहां पर जो रहेगा, यहां पर प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट यहां पर जो स्टॉप होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टंटेड हो जाएगा, और यहां पर जो ये टॉक्सिक नेचर हम यहां पर कहेंगे कि यहां पर ये पर्टिकुलर माइक्रो एलिमेंट जो होते हैं वो माइक्रो एलिमेंट के एब्सॉर्प्शन को रोक रहे हैं, इसीलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिसिटी एंड सच मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एट टॉक्सिसिटी इन देयर नेचर। वन एलिमेंट वन कंपोनेंट विच इनहिबिट द एब्सॉर्प्शन ऑफ अदर एलिमेंट, अपटेक ऑफ अदर एलिमेंट, दैट मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एट टॉक्सिसिटी। और ये जो एलिमेंट रहेगा जो यहां पर बॉडी वेट को कम कर रहा है, उसको कहा जाता है टॉक्सिक मटेरियल, टॉक्सिक एलिमेंट के नाम से हम उसको जो है यहां पर पहचान सकते हैं। तो ये हो जाता है यहां पर टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो ट्रेसेस के अंदर स्मॉल अमाउंट में यूज होते हैं, उसका हार्मफुल इफेक्ट भी यहां पर जो है पाया जाता है, जो दूसरे मैक्रो एलिमेंट जो होते हैं उनके एंट्री को, उनके एब्सॉर्प्शन को यहां पर रोक देते हैं। तो ये टॉक्सिसिटी है, और ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको टॉक्सिक नेचर कहा जाए, टॉक्सिक माइक्रो एलिमेंट उनको जो है हम यहां पर कह सकते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं, अभी यहां पर हमने प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर तो देखा है कि किस तरीके से यहां पर वाटर जो सॉइल के अंदर जो कैपिलरी वाटर है, किस तरीके से यहां पर प्लांट के रूट के अंदर दाखिल होते हैं, रूट हेयर दैट इज द मेन रीजन फॉर एब्सॉर्प्शन। अब वहां पर जो है पहला वाटर ड्रॉप इम्बिबिशन के जरिए एंटर होगा, फिर उसके बाद जो मिनरल सॉल्ट एंटर होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए, फिर प्योर वाटर वहां पर एब्सॉर्ब होता है ऑस्मोसिस के जरिए। ये तो हमने देखा है कि इस तरीके से स्टेप वाइज मैनर में ये थ्री फिजिकल प्रोसेस हैं जिसके जरिए से यहां पर जो है ये पूरा के पूरा जो वाटर मॉलिक्यूल है मिनरल के साथ में प्लांट बॉडी के अंदर एंटर होता है, जाइलम तक पहुंचता है, और जाइलम के बाद से फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर यहां पर होता है। तो वहां पर इसके पहले चैप्टर के अंदर प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर बच्चों फुल वेटेज वहां पर वाटर एब्सॉर्प्शन को दिया गया है। अब यहां पर हमें देखना है
मिनरल सॉल्ट एब्सॉर्प्शन, ये जो मिनरल, ये एलिमेंट जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, नियर अबाउट 30-40 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, एक इनका एब्सॉर्प्शन किस तरीके से होता है तो ध्यान रखना है कुछ चीज़ें हैं। मिनरल से जितने भी होते हैं दीज आर चार्ज्ड पार्टिकल, यहाँ पर या तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या निगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है, चार्ज पार्टिकल होते हैं, सो दे कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर जो है H2O है, कोई चार्ज वहाँ पर नहीं है, आसानी से वो पास हो सकता है, सेमी परमिएबल नेचर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर होते हैं तो दे कैन नॉट पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इट कैन बी एब्सॉर्ब बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है, एंड बाय यूज ऑफ एनर्जी बाय फोर्स वो जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो यहाँ पर पास होते हैं गुजरते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे भी यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर पाए जाते हैं विच कैन बी एब्सॉर्ब विथआउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कुछ ऐसे भी यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने यहाँ पर बारीक होते हैं कि वो यहाँ पर इजीली विथआउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी वो पास हो सकते हैं। यानी एक चीज़ हमारे सामने आती है कि ये जो मिनरल सॉल्ट होते हैं दे कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमिएबल नेचर बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी और विथआउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, दोनों प्रोसेस के जरिए मिनरल सॉल्ट का एब्सॉर्प्शन यहां पर प्लांट बॉडी के अंदर हो सकता है। यह हमारा नतीजा निकलता है, यह हमारा जो रिजल्ट निकलता है, और यह जो वाटर यहां पर जो मिनरल एब्सॉर्प्शन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन, वाटर एब्सॉर्प्शन का एक अलग मैकेनिज्म है, मिनरल का एक अलग मैकेनिज्म रहेगा। वाटर तो इजीली है, सेमी परमिएबल नेचर यहां पर है तो वाटर तो फुल्ली अलाउड है, परमिएबिलिटी उसके अंदर पाई जाएगी, लेकिन मिनरल के लिए जब यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रुकावट पाई जाएगी तो दे कैन पास, वो तो पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट रहेंगे बाय यूज ऑफ एनर्जी और कुछ रहेंगे विदाउट एनर्जी, बट दे कैन पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये वाटर एब्सॉर्प्शन से इंडिपेंडेंट यहां पर होता है। अब यही जो हम यहां पर देख रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तो यहां पर यह मिनरल सॉल्ट का जो एब्सॉर्प्शन है, मिनरल दैट कैन बी एब्सॉर्ब इनसाइड द प्लांट बॉडी विद द हेल्प ऑफ टू वेज, दो मेथड से हैं जिसके जरिए से यहां पर एब्सॉर्प्शन होता है, एक होता है पैसिव एब्सॉर्प्शन, एक होता है एक्टिव एब्सॉर्प्शन। अब ये पैसिव और एक्टिव एब्सॉर्प्शन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं व्हाट इज पैसिव एब्सॉर्प्शन, व्हाट इज एक्टिव एब्सॉर्प्शन बाय विच मिनरल्स दैट कैन बी एब्सॉर्ब इन द प्लांट बॉडी। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों पैसिव एंड एक्टिव एब्सॉर्प्शन। ठीक, हाँ बच्चों, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मिनरल सॉल्ट एब्सॉर्प्शन जो है दो तरीकों से होता है, एक है पैसिव एब्सॉर्प्शन, दूसरा है एक्टिव एब्सॉर्प्शन। एक के अंदर जो है एनर्जी का कंजम्पशन होता है, एक के अंदर जो है नो एनर्जी दैट आर यूज फॉर दैट, उसके बेस पर यहाँ पर जो है दो टाइप बताई गई है। पैसिव एब्सॉर्प्शन क्या है, यहाँ पर लिख दिया है मैंने, मूवमेंट ऑफ मिनरल्स इनटू द रूट्स विथआउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, विथआउट एनर्जी ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं रूट हेयर के जरिए दैट इंटर इनसाइड द रूट, और यहाँ पर जो है जब वो रूट के अंदर यहाँ पर इंटर होते हैं तो नो एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, अगर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है तो दैट टाइप दैट इज़ कॉल्ड एज पैसिव एब्सॉर्प्शन। तो ये कैसे यहाँ पर अंदर दाखिल होते हैं, तो यहाँ पर आगे बताया गया दे कैन बी इंटर्ड इनसाइड द रूट बाय द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको प्लांट वाटर रिलेशन का यहाँ पर जो इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि यहाँ पर जो है प्लांट वाटर रिलेशन के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पर डिफ्यूजन, इसके अंदर मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। तो सॉइल के अंदर यहाँ पर जो मिनरल सॉल्ट हैं वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, प्लांट बॉडी के अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो हाई से लो की जानिब ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये जो है मिनरल सॉल्ट का मूवमेंट यहाँ पर होता है, और इसके लिए एक फिजिकल प्रोसेस है, नो एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दैट, कोई एनर्जी यहाँ पर जो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन में भी डायरेक्शनल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट भी यहाँ पर इंटर हो सकते हैं या इनडायरेक्ट भी वाटर के साथ में यहाँ पर जो इंटर हो सकते हैं, दोनों मेकनिज़म यहाँ पर जो है पॉसिबल होता है। इसके बाद यहाँ पर देखा जाता है इसके अंदर जो मास फ्लो भी होता है, यानी बल्क क्वान्टिटी में यहाँ पर जो फ्लो ऑफ मटेरियल यहाँ पर
आपका जो इसके ज़रिए से हो सकते हैं, और पैसिव एब्सॉर्प्शन के लिए डोनन इक्विलिब्रियम दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व। डोनन इक्विलिब्रियम यहाँ का क्या होता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स यहाँ पर जो होते हैं वो एनायन वहाँ पर जो है मौजूद होता है। अब यहाँ पर जो है सम एलिमेंट जो एनायन यहाँ पर होते हैं आफ्टर एंट्री इनटू द पर्टिकुलर सेल, जो भी मिनरल सॉल्ट हैं जिनके ऊपर एनायन मौजूद हैं, जब वो यहाँ पर सॉइल से यहाँ पर प्लांट बॉडी के किसी भी सेल के अंदर इंटर होते हैं तो दे बिकम फिक्स, वो जो है यहाँ पर फिक्स्ड हो जाते हैं एंड कैन नॉट डिफ्यूज टू अदर सेल, दूसरे सेल के अंदर यहाँ पर अंदर इंटर ही नहीं हो पाते हैं। जिसे क्या होता है डिफ्यूजन, मिनरल सॉल्ट एक जगह आए हैं अब उसके बाद वो आगे बढ़ते रहेंगे यहाँ तक के ईच एंड एवरी सेल दैट गेट पर्टिकुलर वाटर और दे गेट वाटर एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन डोनर इक्विलिब्रियम यहाँ पर क्या होता है कि कुछ एलिमेंट यहाँ पर सेल के अंदर इंटर होने बाद बस वो फिक्स हो जाते हैं, दे कैन नॉट डिफ्यूज, वो दूसरे सेल के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। ऐसी सूरत में यहाँ पर जो रहेगा कुछ एडिशनल केटायन रहेंगे, जो यहाँ पर एनायन जो यहाँ पर बढ़ गया है तो केटायन वहाँ पर इंटर होते हैं एंड दे ट्राई टू बैलेंस दैट एनायन केटायन बैलेंस को करने के लिए यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखने के लिए केटायन वहाँ पर पहुँचते हैं और यही मैकेनिज्म जो होता है एनायन को यहाँ पर जो है मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए केटायन वहाँ पर इंटर होते हैं और इस तरीके से वहाँ पर जो उसको बैलेंस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दिस मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड एज डोनन इक्विलिब्रियम, इसको जो है यहाँ पर कहा जाएगा। तो मेन चीज़ यहाँ पर जो आपको याद रखना है बच्चों कि यहाँ पर पैसिव एब्सॉर्प्शन के अंदर यानी सॉइल के अंदर जो मिनरल्स हैं दैट इंटर इनसाइड द प्लांट बॉडी बाय डिफ्यूजन एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, कोई एक्सपेंडिचर कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, सच टाइप इज कॉल्ड एज पैसिव एब्सॉर्प्शन। दूसरे साइड में हम यहाँ पर देखते हैं एक्टिव एब्सॉर्प्शन क्या है, जाहिर सी बात है उसके यहाँ पर जो रहेगा अपोजिट पर रहेगा, ये एक ऐसा प्रोसेस रहेगा जहाँ पर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP के फॉर्म में यहाँ पर जो एनर्जी यूज होने वाली है ये कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है और इसके अंदर जो एलिमेंट यहाँ पर जो सॉइल से प्लांट बॉडी के अंदर आ गए थे इनका अपटेक ऑफ एलिमेंट यहाँ पर होता है और यहाँ पर एलिमेंट जाइलम के जरिए ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुँचा कर फिर फ्लोएम के जरिए मजीद उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करना है तो उसके लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी अगर यूज़ हो रही है और अपटेक ऑफ एलिमेंट यहाँ पर किया जाएगा, ट्रांसलोकेशन ऑफ वहाँ पर मिनरल किया जाएगा तो दैट मस्ट बी कॉल्ड एज एक्टिव एब्सॉर्प्शन, उसको जो एक्टिव एब्सॉर्प्शन हम यहाँ पर कहेंगे। तो क्या मैकेनिज्म होता है, मिनरल्स फ्रॉम रूट हेयर इंटर इन द जाइलम और जाइलम के बाद जो है दे इंटर दे आर ट्रांसफर टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर पहुँचा कर फिर फ्लोएम के जरिए उसका मजीद फ्लो यहाँ पर होता है। फ्लोएम का काम क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड मटेरियल और प्लांट के अंदर जो फूड मटेरियल वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, जाइलम के जरिए ईच एंड एवरी पार्ट तो उसको तो हम सेंड कर रहे हैं लेकिन फ्लोएम के जरिए जब फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड मटेरियल तैयार होगा, ये मिनरल जो है फूड मटेरियल ऑर्गेनिक कंपोनेंट के साथ में फिर जहां पर वो नहीं उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस यहां पर जो पाया जाएगा तो उसको जो है यहां पर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस, सो दिस प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव एब्सॉर्प्शन। तो ये दो मेथड यहां पर होते हैं जिसके जरिए से मिनरल सॉल्ट का एब्सॉर्प्शन इनसाइड द प्लांट बॉडी होता है, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी पैसिव एब्सॉर्प्शन, बाय यूज ऑफ एनर्जी उसको जो है एक्टिव एब्सॉर्प्शन यहां पर हम कहेंगे। तो ये हमारा ये टॉपिक जो यहां पर कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।